अपने शरीर पर टैटू गुदवाना आजकल आम हो गया है, लेकिन क्या किसी ने सोचा होगा कि उसका शौक ही उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला के हाथ का टैटू उसके बलात्कार के आरोपी को जमानत दिलवा गया। आरोपी की वकील ने हाई कोर्ट में जो दलील दी, उसके बाद जस्टिस ने आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में रेप केस की सुनवाई के दौरान आरोपी युवक की दलील से जस्टिस रजनीश भटनागर इस कदर संतुष्ट हुए कि आरोपी को जमानत पर जेल से बाहर करने का आदेश जारी कर दिया, वो भी 25,000 के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के जमानती पेश करने की शर्त पर। बता दें कि दायर याचिका के मुताबिक आरोपी युवक संजय साल 2016 से साल 2019 तक पीड़िता को ब्लैकमेल कर रेप करता रहा। पीड़िता की शिकायत के बाद पिछले साल जून में संजय को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से वह जेल में बंद था। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ने बताया कि पीड़िता के द्वारा उस पर लगाए गए आरोप सरासर गलत है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो दोनों की सहमति से हुआ। अगर कोर्ट को इस दलील पर यकीन ना हो तो पीड़िता के बाजू पर देख ले, वहाँ उसके नाम का परमानेंट टैटू बना हुआ है। ये टैटू उसकी प्रेम कहानी को बयां करता है। पीड़िता ने खुद ही ये टैटू बनवाया था और मेल के जरिए उसके पास भी भेजा था। आरोपी के बयान पर कोर्ट ने पड़ताल की, तब आरोपी की दलील सच निकली। इसके बाद जज ने अपने आदेश में लिखा, टैटू बनाना एक कला है, इतना सही टैटू दबाव में या विरोध करते हुए नहीं बनाया जा सकता। यह विशिष्ट उपकरण से विशिष्ट परिस्थितियों में आराम से बनवाया गया परफेक्ट टैटू है। जिसके बाद अदालत ने यह साफ कर दिया कि इस आदेश और इसमें दर्ज टिप्पणी के मामले में तथ्यात्मक सबूत और मेरिट पर नियमित सुनवाई के दौरान कोई असर नहीं पड़ेगा।